उसके बाद ज्योग्राफी और अब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बताया था कल आपसे कि टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीधे सीधे आते हैं, इकोनॉमिक्स का एक टर्म है वल्चर कैपिटलिज्म। आप सोचेंगे पता नहीं कहाँ से छांट छांट के ले आते हैं, नाम में ही वल्चर लगा हुआ है, गिद्ध। ये शब्द की उत्पत्ति भी गिद्ध से ही हुई है। वल्चर मीन्स गिद्ध होता है और कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। तो ये वल्चर कैपिटलिज्म है क्या? पूंजीवाद तो आप जानते ही होंगे, कॉरपोरेट घराने जो कैपिटल इंटेंसिव पूंजीगत व्यय फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करने में, फैक्ट्री लगाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ये टर्म है वल्चर कैपिटलिज्म। वल्चर मीन्स गिद्ध होता है, आपको मालूम है, कैपिटलिज्म आपको मालूम ही है। दोनों का अर्थ क्या निकलेगा कि जब कोई कॉरपोरेट घराना या जब कोई पूंजीपति ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो डिस्ट्रेस सेल में पड़ी हुई है, तबाह हो गया वो कंपनी, उसका मालिक दिवालिया हो गया, तो इस टाइप की कंपनियों को वो खरीदता है सस्ते में और खरीद के फिर उसमें कुछ इनपुट दे करके उसको प्रॉफिट में बेचता है। ये फिनोमिना डे टू डे लाइफ में होती रहती है। तो वल्चर कैपिटलिज्म का मतलब क्या हुआ सीधा सीधा, कि कॉरपोरेट घराने या पूंजीपति वर्ग द्वारा ऐसी कंपनियों को क्रय करना जो डिस्ट्रेस सेल में पड़ी हुई है, तबाही वाली स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध है, दिवालिया हो चुकी है, उसको खरीदना, उसमें निवेश करना और निवेश करने के बाद उसमें कुछ इनपुट दे करके, कुछ रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके उसको जो है प्रॉफिट में बेच देना, इस प्रघटना को बोलते हैं वल्चर कैपिटलिज्म। इसके साथ ही एक दूसरा वर्ड भी जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग डेली सुनते होंगे पीएफ, एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में सीपीएफ, एक होता है ईपीएफ। ये इंटरव्यू में हमसे पूछा था सर, आईएएस के इंटरव्यू में मैंने, मेरे से सवाल पूछा गया था। और चौथा होता है पीपीएफ। अब मजे की बात है कि पीएफ सब में कॉमन है। पीएफ मींस प्रोविडेंट फंड, और बहुत कम लोगों को क्लियर रहता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 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 एंड दिस। तो सीपीएफ जो है ये टोटल अलग है, और ईपीएफ को ही एक वर्ड और आता है जीपीएफ। तो इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड और जनरल प्रोविडेंट फंड ये दोनों एक ही शब्द है। इसमें कंपनियां इम्प्लाईज का पैसा पीएफ में डिडक्ट करके जमा कराती है पीएफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको हम ईपीएफ और जीपीएफ दोनों नाम से जानेंगे। और इस वाले में जितनी कटौती आपसे की जाती है वो परसेंटेज, मान लीजिए 10% कटौती हुआ तो उतना ही पैसा पीएफ ऑर्गेनाइजेशन में जमा हो जाता है। तो इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड और जनरल प्रोविडेंट फंड ये दोनों कॉमन है, और ये दोनों कॉमन होते हुए भी देखने में अलग अलग लगता है, अलग अलग महसूस होता है। तो जितना कटौती हुआ उतना ही जमा करा देना पीएफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है ईपीएफ स्लैश जीपीएफ। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की वेतन से जो कटौती पीएफ के लिए की जाती है, उस अंशदान को पीएफ ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं पीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ। तीनों शब्द, तीनों ये तीनों
कॉमन है। सीपीएफ में भी सारी चीजें कॉमन है, सिर्फ एक ही चीज गड़बड़ है कि सीपीएफ में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। ये कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हुआ कि आपसे कंपनी जितना परसेंट काटती है, 10% काटने का रूल है, उतना ही जो है अपने तरफ से मिलाती भी है। 10% आपका कटा, 10% कंपनी ने भी पे किया, तो इसको बोलते हैं सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। वेतन से जितनी कटौती हुई उतनी सेम अमाउंट कंपनियों द्वारा मिला करके तब पीएफ ऑर्गेनाइजेशन में जमा कराया जाता है। क्लियर है? सीपीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ, पीएफ। तो पीएफ तो एक तरीके से देखा जाए तो कॉमन नाम है, पीएफ के ये सब प्रकार है। तो पीएफ का प्रकार क्या क्या हो गया? एक हो गया जीपीएफ, जिसको हम ईपीएफ भी कह देते हैं। दूसरा हो गया सीपीएफ, जो अभी हमने बताया। और तीसरा हो गया पीपीएफ, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये आप अपने वेतन से या अपने किसी भी उससे जो है बचत से आप अपना निजी फिक्स डिपॉजिट की तरह एक खाता खुलवाते हैं, और वो खाता जो है सरकारी बैंक में खोला जाता है, और उसके बाद आप उसमें पैसा जो है सालाना जमा करते हैं। इसकी सीलिंग लिमिट है कि 16 साल से पहले आप जो है पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, 15 साल है, 15 के बाद करेंगे, मैंने 16वें साल में। और उसके बाद इसको जो है आप रोक छोड़ना चाहे बैंक में तो एफडी के माध्यम से छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अपना पैसा लेके वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 15 साल जो है आपको चलाना पड़ता है, और इसमें मिनिमम धनराशि जमा करने की कोई सीलिंग नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया है। ये हर बार बदलता रहता है, सरकार कुछ रेंज बढ़ा देती है, इससे ज़्यादा आप सालाना जमा नहीं कर सकते। पीपीएफ के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाए, जो आज तक लागू नहीं हुई, तब भी ये पैसा जो है आपका नहीं डूबेगा, ये मिलेगा पीपीएफ में, बाकी सब भले जब्त हो जाए। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। तो पीपीएफ, सीपीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ और पीएफ, ये जो कन्फ्यूजन रहता है आपको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। आगे एक टर्म और ध्यान आ रहा है मुझे, PQEM। ये भी मुझे इसलिए ध्यान आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे मेंस कह रहे हैं इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट इज PQEM। ये भी इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसका मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये नोट्स लिखने का बहुत आता है, हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि जब भी कोई उत्पाद बनता है तो तमाम चरणों से गुजरता है। जैसे कलम बनता है तो कलम बनेगा तो पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसकी जो है क्वालिटी चेक होगी, फिर उसके बाद जो है पहले प्रोसेस में आएगा, इसका कोई शेप होगा, फिर दूसरा स्टेप में प्रोसेसिंग के स्टेप में कुछ कई स्टेप से हो के कई प्रक्रियाओं से हो करके वो फाइनली जो है पेन बनेगा। तो इसमें जो भी स्टेजेज, 1, 2, 3, 4 जितनी स्टेजेज है, हर स्टेज पे उस उत्पाद को बनाते समय क्वालिटी चेक करने के बाद ही दूसरे प्रोसेस में भेजना, जिससे अंतिम स्टेज पर वो उत्पाद की क्वालिटी कतई गड़बड़ ना हो सके। अगर आप हर स्टेज पे क्वालिटी चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, फाइनल जब बन के आएगा तो वो जो है बेकार होगा, जो आप चाह रहे थे ऐसा नहीं बनेगा। क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप कृषक समुदाय में भी देख सकते हैं,
कोई भी पैदावार होने से पहले खेत की जो जुताई है, उसकी मिट्टी की जो बारीकपन है उसको आप देखेंगे, उत्तम तरीके का बीज डालेंगे, इसके साथ सही तरीके से पानी देंगे वाटर, फिर इसके साथ जो है समय समय पर खाद देंगे, और हर स्टेज पे आप क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, तभी फाइनल कृषिगत उत्पाद जो धान गेहूं जो भी आप बनाए बोया जाना चाहते हैं, तब वो फाइनल जो है अच्छी किस्म की पैदावार होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या सिखाता है हम लोगों को, कि भाई सीधी सी बात है, हर स्टेज पे हर स्टेप पे आप जो है क्वालिटी चेक करने के बाद ही दूसरे स्टेप में आप चीज़ों को ट्रांसफ़र करिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अंतिम उत्पाद दोष युक्त होगा, दोष उसमें रहेगा और आपकी जो कीमत है वो गिर जाएगी। तो ये चाहे प्राइमरी सेक्टर हो कृषि, या सेकेंडरी सेक्टर हो इंडस्ट्रीज, या कुछ भी हो, तो हर स्टेज पे इसकी बात करना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। एक शब्द और ध्यान आ रहा है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये टर्म बैंकों में ज्यादा, परफॉर्मिंग बैंकों में सबसे ज्यादा ये टर्म जो है यूज किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या एसेट्स है, तो बैंक द्वारा जो लोन दिया गया है उस लोन की रिकवरी ना मिलना, उस लोन की वापसी ना मिलना सर्टेन टाइम के बाद, उसको बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तहत जो है लिख देता है, बुक कर देता है। सरकार की योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो भी, उसमें जो भी, या वैसे भी आप डायरेक्ट लोन लेते हैं वो भी, तो अगर 100 रुपया लोन दिया बैंक ने, इसमें से 90 रुपया उसको मिला, 10 रुपया अभी मिल ही नहीं रहा है, तो वो 10 रुपया बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में जाना जाता है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां इसको हिंदी में बोलते हैं, और वैसे इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से जाना जाता है। एक शब्द और ध्यान आ रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत यूज होता है ये टर्म, MOU जिसे बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली जो है एक एग्रीमेंट है, लेकिन इसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है, ये लीगल सेंटिटी इसकी नहीं होती, अगर लीगल सेंटिटीज में जाना है तब इसको सीधे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपको जाके बनाना पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा दूसरी एजेंसियों के साथ की जाने वाली एक करार है जो जेंटलमैन प्रॉमिस पे टिकी होती है, जो वो दोनों आपस में ही बैठ के उसको सुलझा लेते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई देरी या कोई विलंब या कोई परेशानी होती है तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अगर विधि के हिसाब से बनाना है, कोर्ट में घसीटना है, तो उसको MOU नहीं बोलते हैं, उसको जनरल एग्रीमेंट बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बनाया जाता है। और ये किसके तहत बनाया जाता है, ये जेंटलमैन प्रॉमिस पंचायती टाइप का आपने बैठ के बतिया लिया, तो दोनों में कितना फर्क है आप समझ गए होंगे। एक टर्म है रग मार्क, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, रग मार्क का मतलब क्या होता है, ये नाम ऐसे ऐसे हैं जो सुनने में बहुत कम मिलेंगे, एग्जाम में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये क्या पूछ लिए। तो रग मार्क जो है उन उत्पादों के लिए होता है जिन उत्पाद में, जिन प्रोडक्ट्स में बाल श्रम जो है की मजदूरी जो है 18 साल से कम एज के बच्चों को उस काम में नहीं लगाया गया है,
जैसे भारत में कारपेट इंडस्ट्रीज में कालीन बुनने में पहले जो है ये सब चीज़ें यूज होती थी। तो विदेशों में जब कालीन जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि रग मार्क स्टैंप लगा के दीजिए, जिससे प्रूफ हो सके कि आपने कालीन बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया है। तो उस प्रोडक्ट पे रग मार्क लगा देते हैं। तो रग मार्क क्या है? एक तरीके से एक स्टैंप है, ठप्पा है, मुहर है, जो उन उत्पादों पे लगाया जाता है ये प्रमाणित करने के लिए कि उसमें कोई बाल श्रम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक टर्म लास्ट में बताना चाहूँगा, ये भी बहुत प्रचलित टर्म है, हर कंपनियाँ इस शब्द को छोटी बड़ी सब यूज करती है, ईबिट एबिटा के लोग बोलते हैं एबिटा। किसी भी कंपनी का एबिटा क्या है ये पूछा जाता है। तो एबिटा क्या है? ई से होता है अर्निंग, बी से होता है बिफोर, आई से इंटरेस्ट, डी से डेप्रिसिएशन और टी से टैक्स। मैंने अर्निंग उस कंपनी की आय बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट, बिफोर डेप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स। बिना टैक्स दिए, बिना डेप्रिसिएशन काटे, बिना इंटरेस्ट काटे जो अर्निंग आई उसको बोलते हैं एबिटा। और जब ये सब चीज़ें घटा देते हैं तो टैक्स डिडक्शन के बाद जो बचता है। तो ये सब शब्दावली जो है आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बार बार दूसरा शब्द भी आ जा रहा है। जैसे एक शब्द आता है SPV, ये भी इकोनॉमिक्स में बहुत यूजफुल है, स्पेशल स्पेशल पर्पस व्हीकल। नाम से लग रहा है कोई वाहन खरीदना होगा जैसे कि, क्यों? लेकिन ये वो वाहन नहीं है। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है एक कंपनी है जो एक पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए खोली जाती है और वो उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद उसे वाइंड अप कर दिया जाता है, स्पेशल पर्पस। आपने SPV बनाया PPP मॉडल पे लाने के लिए, आपने उसको फाइनेंस किया और उसके थ्रू जो है आपने फंड ट्रांसफर किया, उसके बाद SPV का कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस चीज़ को यहीं पे विराम देता हूँ और इस अनुरोध के साथ कि जितना जल्दी हो सके आप कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करें। थैंक यू। थैंक यू।